कल देखो यहाँ तक किया था अपन ने, सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी मतलब सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी है ना, पॉइंट्स किए थे। अब नेक्स्ट देखो क्या दे रहा है इसमें, बाय प्रोमिसी फेलिंग टू ऑफर फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस, बाय प्रोमिसी फेलिंग टू ऑफर फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस, क्या लिखा है इसमें, इस पॉइंट को कोई एक्सप्लेन कर पाएगा? जो सेकेंड पार्टी है उसको बोलते हैं प्रोमिसी, बताया ना मैंने, एक होता है प्रोमिसर एक होता है प्रोमिसी है। तो प्रोमिसी क्या करता है, जो भी उसने ऑफर की थी फैसिलिटीज, एक होता है ऑफर, एक क्या होता है ऑफर का सब्सिक्वेंट क्या होता है बताओ, आरती एकता हनी बताओ बेटा, ऑफर का जस्ट अपोजिट क्या होगा, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस होगा। तो जो प्रॉमिसी ने ऑफर किया था फैसिलिटीज वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, बाय प्रॉमिसी फेलिंग टू ऑफर फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस। तो ऐसे भी जब नेग्लेक्ट करता है सामने वाला, या जब रिफ्यूज करता है, या परफॉर्मेंस कंप्लीट नहीं करेगा, तो क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट सामने वाला कंटिन्यू करेगा कि खत्म करेगा, उसके साथ खत्म करेगा ना। देखो अ कॉन्ट्रैक्ट विथ बी टू रिपेयर बीज हाउस, बी नेग्लेक्ट और रिफ्यूज टू पॉइंट आउट टू ए द प्लेसेस इन विच हाउस रिक्वायर्स रिपेयर। तो ए के पास रीजन है कि नॉन परफॉर्मेंस हो रहा है, क्योंकि वो उसका काम कंप्लीट नहीं कर रहा है ना। नेक्स्ट देखो, बाय डेथ, अगर किसी की डेथ हो जाएगी, जब कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल इन कैरेक्टर में होगा, पर्सनली फुलफिल करवाना है, जहाँ पे पर्सनल स्किल और एबिलिटी इन्वॉल्व रहेगी सामने वाले पर्सन की। अगर किसी कंपनी के साथ टाई अप है तो कंपनी तो चलती रहेगी, अगर पर्सन की डेथ हो जा रही है फिर भी, तब क्या होता है, जो कंपनी के मैनेजर्स वगैरह रहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करते हैं। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, पर्सनली है और डेथ हो चुकी है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी क्या माना जाएगा, खत्म, डिस्चार्ज। देखो एग्जाम्पल देखो, अ प्रोमिसेस ए प्रोमिसेस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी बाय अ सर्टेन डे, कुछ एक कोई तारीख उन लोगों ने डिसाइड की होगी, ए डाइज बिफोर द डे, तो कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड आइदर बाय ए रिप्रेजेंटेटिव और बाय बी। तो ए का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो भी नहीं कर पाएगा। अब ये देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, बाय रिफ्यूजिंग टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, इफ अ पार्टी ऑफर्स टू परफॉर्म इज प्रोमिस एंड द ऑफर हैज नॉट बिन एक्सेप्टेड बाय अदर पार्टी, द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस। देखो इसके पहले वाला जो ये वाला पॉइंट बताया था, ये वाला, इसमें जिसने ऑफर किया है वो काम कंप्लीट नहीं कर रहा है ना। अब इसमें क्या हो रहा है, ऑफर करने वाला तो कर रहा है, लेकिन जिसको एक्सेप्टेंस जिसने दिया था वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। इफ अ पार्टी ऑफर्स टू परफॉर्म इज प्रॉफिट एंड द ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय द अदर पार्टी, तो रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट या ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, इससे क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि कोई एक एग्री नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखो, अनऑथराइज्ड मटेरियल अल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सपोज कोई एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कुछ मटेरियल यूज हो रहा है, या कुछ भी वॉट एवर, मटेरियल का मतलब सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं है, कुछ भी रॉ मटेरियल हो सकता है, जो ऑफर सॉरी जो कॉन्ट्रैक्ट में पहले से प्री डिसाइडेड था, अब वो यूज ना करके कुछ और, अनऑथराइज्ड मतलब विदाउट द कंसेंट ऑफ वन पार्टी, कोई एक कंसेंट नहीं ले रहा है सेकेंड पार्टी का, तो और उससे क्या हो गया, उसने मटेरियल ऑल्ट्रेशन किया। सपोज अगर किसी का इंटीरियर डिजाइनिंग वाला ही ले लो, उसने बोला था ईरान से इम्पोर्ट करके देगा, अच्छा नहीं लिया, पेरिस से ला के दे रहा है, तो उसने क्या किया, मटेरियल ऑल्ट्रेशन किया, तो सामने वाले के पास चॉइस है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। सेम आप फ्लिपकार्ट वगैरह या अमेजन से कुछ ऑर्डर करें और उसकी जगह पे कुछ और दूसरा प्रोडक्ट आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे, रिफ्यूज कर देंगे उसको एक्सेप्ट करने से, या फिर अगर आपने ले भी लिया तो अब आप रिटर्न करेंगे, तो ऑल्ट्रेशन इसको बोलते हैं। यस मैम।
बस एक ही इंसान ने रीड किया एग्जाम्पल और किसी ने? यस मैम, यस मैम, कर लिया किया है ना? यस मैम, कर लिया। अचानक से कभी भी मैं अगर नोट्स मांगी आपसे तो आपके ये सब पॉइंट्स उसमें रहने चाहिए। नेक्स्ट देखो, देखो इसमें आपको कट टू कट एग्जाम्पल भी दिया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया जब आप एग्जाम में कोई पॉइंट लिखेंगे, जैसे ये सेवेंथ पॉइंट, तो आपने देखो ये देखो तीन लाइन में इसको एक्सप्लेन किया, फिर एक एग्जाम्पल दिया, खत्म। फिर आप डायरेक्ट किस में आएंगे? नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे। जैसे ये इसको एक्सप्लेन किया तीन से चार लाइन में, या आपको जितना लगता है सफिशियंट है एक्सप्लेन करना वो, और एक एग्जाम्पल। आपको ऐसे ही लिखना है एग्जाम में BRF। देखो डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, तो कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज्ड आल्सो बाय लैप्स ऑफ टाइम। अगर आपने टाइम पे काम नहीं किया तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इफ द क्रेडिटर डज नॉट फाइल अ सूट टू रिकवर हिज डेब्ट amount from a debtor within a period of limitation under the limitation act, his remedy is debit। isme kya diya hai? agar dekho humko kisi se paise lene hain aur suppose check bounce ho gaya, usme likha rehta hai 3 months of validity। government ne kuch rules banaye ki aapko is particular time mein us person ke against case file karna hai। agar aap nahi karte hain to aapka limit kya ho gaya? khatam ho gaya। ya fir agar aapne jaise BSP ke jo contracts hote hain na, isme लिखा रहता है एक वर्ड, देखो ये लोग यूज करते हैं, देखो अगर लिखा है बाय 10th ऑफ दिसंबर, है ना, 10 तारीख तक अगर आप लाके देंगे, है ना, एट, अगर आप वो सामान की डिलीवरी अगर आप 11 को करते हैं, ये बोल के कि कल नहीं आ पाया था, ट्रक फंस गया था, वॉट एवर, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वो एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था बाय 10, है ना। तो ऐसे करके जब लैप्स ऑफ टाइम हो जाता है एक दिन का भी, तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो लोग, अब भी क्या हो गया है, अपन फोन में ऑर्डर दे देते हैं, है ना, या फिर व्हाट्सएप में अपन टेक्स्ट कर देते हैं या मेलिंग कर देते हैं। पहले क्या होता था जब BSP में से कॉन्ट्रैक्ट होते थे, आपको 10 का टाइम दिया है, अगर आप 10 तक नहीं आएंगे, आप 11 को आएंगे, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेबल नहीं होगा, आपका जो भी डिलीवरी है आपकी। फिर वो लोग किसी और को ऑर्डर दे देते हैं उसी नेक्स्ट डे, फिर आपको अपने लॉस के साथ रहना पड़ता है। तो आज भी बड़ी बड़ी कंपनीज में जब बिजनेस डील्स होती हैं तो ऐसे ही होती हैं, वो लोग किसी व्हाट्सएप वगैरह पर बेस नहीं रहते हैं, है ना, मेल्स के थ्रू काम चलता है। तो या फिर उसमें लोग ग्रेस पीरियड लिखवाते हैं कि 3 दिन हमको ग्रेस पीरियड मिल सकता है, अगर हम 10 तक नहीं देंगे तो हम 11, 12, 13 में से कभी भी देंगे और हमको ग्रेस पीरियड मिलना चाहिए, तो उसमें भी वो लोग क्या करते हैं, अमाउंट कम करवा देते हैं फिर। तो ये बहुत सारे कंडीशंस होते हैं लैप्स ऑफ टाइम के भी। नेक्स्ट देखो, फिर क्या दिया है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ A contract is discharged or terminated. क्या दिया देखो? A contract is discharged or terminated by the operation of law. काम करते करते कुछ, ठीक है, operation of law की मैंने meaning बताई थी last topic में, बताओ कोई explain कर पाएगा उसको? बताओ ऑपरेशन ऑफ लॉ का एक अच्छा खासा मैंने एक्सप्लेन किया था आप ही की क्लास में, हनी थी उसमें, प्रशांत भी था, प्रशांत ने डबल पूछा था मुझसे कि मैम ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या होगा। किसी ने कुछ बोला था अभी, बोलो फिर से रिपीट करो मैम। जिसमें लॉ के अंदर आके कुछ करते हैं वो ऑपरेशन ऑफ लॉ का। प्रशांत बताओ, मैम जब उसके पास कुछ राइट्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है सामने वाले पार्टी की तरफ से। ये बताया था मैंने लास्ट क्लास में तुमको, तुम्हीं ने पूछा था ना मुझसे ऑपरेशन ऑफ लॉ, सिर्फ पूछना और उसको नोट नहीं करना, और अगर मैं उसको नेक्स्ट क्लास में पूछती हूँ तो कुछ गलत बताना, ये तरीका सही नहीं है बेटा। अगर आप लोग मुझसे डाउट पूछते हैं तो आप उसको नोट किया करो ना कहीं पे,
उस समय आपको समझ में आ जाता है फिर, लेकिन जब आपके पास वो नोटेड ही नहीं है, जब आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो आगे चल के प्रॉब्लम आपको होगी। तो नेक्स्ट टाइम से अगर आप में से किसी का भी डाउट रहता है, किसी का भी, मैं नहीं बोल रही हूँ कि प्रशांत का या हनी का, किसी का भी डाउट है, अगर कोई कुछ पूछ रहा है, अगर मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ तो आप उसको नोट करते चलो साथ में, तो जब आप आगे चल के उसको रिवाइज करेंगे तो आपको याद आएगा। आ रहा है समझ में? कोई रिस्पॉन्ड नहीं देगा? अदिति? यस मैम। एक्सप्लेन करो ऑपरेशन ऑफ लॉ को। शुभम ट्राई करो। देखो मैं लास्ट टाइम ऑपरेशन ऑफ लॉ को एक्सप्लेन कर रही हूँ, अब ये समझो। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ इसका मतलब होता है कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस का आना या कुछ ऐसी सिचुएशन का आना जिसके होने से जो लॉ है, मतलब इंडियन लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर अपन कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं अभी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस आ गई हैं जिसकी वजह से अब कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करना पड़ रहा है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना पड़ रहा है, खत्म करना पड़ रहा है। जब भी ऑपरेशन ऑफ लॉ वर्ड यूज करेगा तो आप ये समझना, सपोज अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पढ़ रहे हैं, है ना, और अगर उसमें ऑपरेशन ऑफ लॉ आ रहा है तो आप उस समय क्या उसको मीन समझेंगे कि कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है या ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए हैं जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये बोलता है कि अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये गारंटी वाला कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। तो कुछ सर्कमस्टेंसेस का क्रिएट करना या ऐसी सर्कमस्टेंसेस का होना जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बोलेगा। आ रहा है समझ में ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब? तो ये देखो ऑपरेशन ऑफ लॉ में बता रहा है कि ऐसी सर्कमस्टेंसेस आ गई हैं जिसकी वजह से अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। अब वो कौन सी सर्कमस्टेंसेस हैं? इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी मतलब क्या हो जाता है, क्या होता है इंसॉल्वेंट मतलब? पागल, मतलब वालिया घोषित, इनसेन में पागल होता है, कंफ्यूज मत हो, है ना। इंसॉल्वेंट, बैंकरप्सी, बैंकरप्ट हो जाना। बाय मर्जर, मर्जर क्या होता है, जब दो फर्म्स ज्वाइन होके एक सिंगल फर्म बनती है। जब अभी क्या है, वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ था कि नहीं, अभी वी आई yes, है ना, वोडाफोन और आइडिया yes, ma'am। तो वो जो दो फर्म्स मिलके एक फर्म बनती है वो होता है मर्जर। आगे देखो, तो बाय इंसॉल्वेंसी में क्या हो गया, देखो उसकी मीनिंग देखो, बाय इंसॉल्वेंसी में वो क्या बोल रहा है, रीड करो एग्जांपल्स और मीनिंग को रीड करो जल्दी से। ऑन अ पर्सन एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट ही इज रिलीज्ड फ्रॉम ऑल हिज डेब्ट्स एंड लायबिलिटीज प्रोबेबल इन द इंसॉल्वेंसी। आगे देखो, जब पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है तब उसको रिलीज किया जाता है सब उसके डेब्ट्स और लायबिलिटीज से, क्योंकि उसके पास अब अमाउंट बचता ही नहीं है पे ऑफ करने के लिए, जो भी होता है उसको बेच बाज के खत्म। नेक्स्ट देखो, द राइट्स या लायबिलिटीज वो किसको दे देते हैं, ऑफिशियल रिसीवर को। ऑफिशियल रिसीवर का मतलब होता है कोर्ट ने अपॉइंट करती है एक पर्सन को, जो पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है उसकी प्रॉपर्टी को बेचने का काम, और उसको जिसको जिसको पैसे देने हैं वो लोग पे ऑफ करते हैं उसके बदले में, ठीक है। तो वो जो कोर्ट एक पर्सन अपॉइंट करती है उसको बोलते हैं ऑफिशियल रिसीवर। देखो, द इंसॉल्वेंट इज डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल ऑब्लिगेशंस अराइजिंग फ्रॉम ऑल हिज अर्लियर कॉन्ट्रैक्ट। और अब वो इंसॉल्वेंट घोषित हो गया, दिवालिया घोषित हो गया, अब वो पैसे दे ही नहीं सकता है, इसका मतलब ये होता है। इसलिए जो फर्म्स होती हैं वो खुद अप्लाई करती हैं कोर्ट में, अपने फर्म को इंसॉल्वेंट घोषित करती हैं।
जैसे अभी एक केस हुआ था रिसेंट में, एक बिजनेसमैन ने खुद को इंसॉल्वेंट के लिए एक एप्लीकेशन डाली थी कोर्ट में, बताओ कौन सी फर्म थी? ठीक है, जब नेक्स्ट क्लास अपन करेंगे इसकी, तब आपका ये होमवर्क बोलो या 2 या 3 मिनट का आप लोग गूगल करेंगे और नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बताएंगे कि ऐसी कौन सी फर्म थी रिसेंटली जिसने खुद इनिशिएट लिया था अपनी फर्म को इंसॉल्वेंट करवाने के लिए और उस पॉइंट पे कोर्ट ने क्या बोला था। आ रहा है आपको समझ में? यस मैम। अगर आप लोग कॉमर्स पढ़ रहे हैं ना और आप लोग बिजनेस जो न्यूज है अगर आप उसको स्टडी नहीं कर रहे हैं तो गलत जा रहे हो आप, आपका डायरेक्शन गलत है पूरा। आपको साथ में लेके चलनी है सारी चीजें, स्कूल में नहीं है बेटा आप लोग, कॉलेज में है आप लोग। अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाके फेस करेंगे तो आप क्या बोलेंगे? तो अगर कोई आपसे पूछ लेगा कि व्हाट आर द मोड्स ऑफ डिस्चार्ज, आप ये मोड्स बता दोगे, है ना? और आपने एक पॉइंट बोल दिया इंसॉल्वेंट, और सामने वाले ने पूछा रिसेंटली कोई कंपनी बताओ जिसने इंसॉल्वेंट हो गई हो या जिसने खुद केस किया हो, तो आप क्या बोलेंगे, क्या बताएंगे आप? अगर आप बिजनेस न्यूज ही आपने नहीं किया है, बिजनेस न्यूज अगर आप नहीं रीड करते हैं, आजकल गूगल में इजिली अवेलेबल है बिजनेस न्यूज, 2 मिनट का टाइम है, आप करो। देखो बाय मर्जर, मर्जर ऑफ सुपीरियर राइट इनटू एन इंफीरियर राइट, मतलब बड़ी कंपनी छोटी कंपनी में सुपीरियर टू इंफीरियर मर्ज हो जाती है तो मिक्स हो जाना। नेक्स्ट देखो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच क्या होता है? ब्रीच क्या होता है देखो इसमें, व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म या और डिसेबल, रिफ्यूज टू परफॉर्म और डिसेबल हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस इन इट्स एंटायरिटी, द प्रॉमिस मे पुट टू एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच मतलब तोड़ना, है ना, जिसे बोलते हैं ना कि ट्रस्ट, आपने मेरा ट्रस्ट ब्रेक किया, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट में इसका एक वर्ड यूज होता है ब्रीच। आगे देखो, ऑब्वियस है जब कोई काम नहीं करेगा, ब्रीच करेगा, धोखा देगा जो भी, तो उसके लिए वर्ड होता है कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है और उसके लिए वर्ड यूज होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दो टाइप का ब्रीच होगा, एक एक्चुअल होगा और एक एंटीसिपेटरी होगा। एंटीसिपेटरी का दूसरा नाम होगा यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव, देखो एक्चुअल ब्रीच में क्या होता है, जब जो पार्टी है वो काम नहीं कर पाती है या नेग्लेक्ट करती है या रिफ्यूज करती है या एक अटेम्प्ट ही नहीं देती है कि वो काम करेगी, तो इसको बोलते हैं एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखो, अगर एक्स एग्री करता है कि वो डिलीवर करेगा 100 रेडीमेड शर्ट्स टू वाई, एक्स अगर एग्री करता है कि वो डिलीवर करेगा वाई को 100 शर्ट्स 5 अगस्त को, आगे क्या होगा? अगर एक्स अपनी खुद की गलती की वजह से उसको 5th को अगर शर्ट्स हैंडओवर नहीं कर पाता है, ठीक है, 100 के बदले वो सिर्फ 50 शर्ट्स डिलीवर करता है और बाकी वो कर ही नहीं पाता है, तो इसको बोलते हैं एक्चुअल ब्रीच। अब देखो नेक्स्ट है एंटीसिपेटरी ब्रीच, इसको अगर मैं बोल सकती हूँ कंस्ट्रक्टिव ब्रीच, कंस्ट्रक्टिव भी बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट ड्यू होने से पहले, जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ड्यू हो रहा था, एक्चुअल ब्रीच में कॉन्ट्रैक्ट ड्यू हो रहा था, देखो इसमें, इसमें ना कॉन्ट्रैक्ट ड्यू होता है, जैसे मैंने एक डेट बताई 5th अगस्त, सपोज 100 शर्ट्स देनी थी, है ना, उसने क्या किया 5th को 50 शर्ट्स दी बस, तो जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट पूरा होना है ड्यू डेट पे, है ना, उसी दिन 500 के बदले 50 दे रहा है, तो तुरंत तुरंत सामने कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, ब्रीच हो रहा है, यानी ब्रेक हो जाना, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, ब्रीच हो रहा है। और कंस्ट्रक्टिव, ये देखो ये जो एंटीसिपेटरी बताया मैंने, इसका दूसरा नाम बताया मैंने कंस्ट्रक्टिव,
इसमें क्या होता है, ड्यू डेट के पहले ही, बिफोर ड्यू डेट, उसमें ड्यू डेट वाले दिन हुआ, इसमें बिफोर ड्यू डेट अपना डिक्लेरेशन कर देते हैं इंटेंशन ऑफ नॉट परफॉर्मिंग द प्रॉमिस, तो वो हो जाता है एंटिसिपेटरी। इसके ऑलरेडी जो इसमें इंटेंशन होता है सामने वाले का नहीं परफॉर्म करने का, वो ऑलरेडी डिक्लेयर कर देता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करना चाहता है। आ रहा है समझ में एक्चुअल और एंटिसिपेटरी की मीनिंग? यस मैम। आगे देखो, ये देखो इसके एग्जांपल्स, एक सेकेंड ना, अब देखो एक्चुअल ब्रीच में इसने क्या लिया है, द एक्चुअल ब्रीच ऑकर्स व्हेन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एट द टाइम इज ड्यू है। मतलब देखो, ए एग्री टू डिलीवर 5 bags ऑफ शुगर ऑन 1st Jan, ही फेल्स टू डू सो ऑन 1st Jan, उसी दिन ड्यू वाले दिन, तो ये हो जाता है एक्चुअल ब्रीच। एंटिसिपेटरी ब्रीच में देखो, refuse to perform his part of the contract before the actual time of performance, तो ये हो गया constructive breach या फिर anticipatory breach। अब देखो इसको भी इसने divide किया है, तो ये आप मत करना, ये वाला आपके syllabus का part नहीं है, बस आपको इतना पढ़ना है कि कितने types है, simple, एक actual एक anticipatory। anticipatory में क्या आता है, ये आपको नहीं करना, ये आपके काम का नहीं है। इधर देखो, ये इन शॉर्ट में एक समरी बनी हुई है, डिस्चार्ज या टर्मिनेशन मींस रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज। सेक्शन देखो दिया है, बाय परफॉर्मेंस, बाय एग्रीमेंट और कंसेंट में हमने क्या क्या किया देखो। नेक्स्ट देखो इसमें, ये प्रॉमिस ही फेलिंग, बाय डेथ, बाय रिफ्यूजिंग टेंडर। नेक्स्ट 6 के बाद देखो, ये 7th में क्या दिया है देखो, अनऑथराइज्ड डिस्चार्ज और लैप्स ऑफ टाइम, ऑपरेशन ऑफ लॉ और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये एक शॉर्ट में समरी आपको याद होनी चाहिए रिवाइज के टाइम पे, और फिर आप क्या कर सकते हैं इस पे अपने नोट्स बनाइए और एक एक एग्जाम्पल डालेंगे। एग्जाम्पल भी मैंने आपको सबके बताए हैं, हर एक के। किसी को डाउट किसी भी पॉइंट में? बता दो। हाँ एक सेकेंड, कौन सा फर्स्ट वाला? मैम ये बाय प्रॉमिसी फेलिंग टू ऑफर फैसिलिटेट्स, ये वाला फोर्थ वाला बेटा, परफॉर्मेंस। नो मैम, फर्स्ट पॉइंट। हाँ वही मैम, फोर्थ वाला। कौन एक्सप्लेन करेगा इसको आज क्लास में? कोई कर पाएगा? कोई भी? अदिति, एकता, हनी, किसी को इनिशिएट लेना है? शुभम, मैम जब वो प्रॉमिसी रिफ्यूज कर देता है जो फैसिलिटीज उसको प्रोवाइड करनी रहती है प्रोमिसर को। देखो जैसे कॉन्ट्रैक्ट के दो पार्ट होते हैं, एक ऑफर और एक एक्सेप्टेंस, याद है ऑफर और एक्सेप्टेंस किया था हमने? यस मैम, किया था ना। प्रशांत पता है ऑफर और एक्सेप्टेंस? यस मैम। तुमने तो क्लास नहीं अटेंड की थी तब, फिर वीडियोस देखे थे ऑफर एक्सेप्टेंस में? Yes, ma'am, देखो जो लास्ट क्लास आप लोगों को लगता है कि आपको याद नहीं है, तो वीडियोस तो अपलोडेड है ना, आप वीडियोस को सुनो उसमें, ठीक है। अब देखो, एक होता है ऑफर और एक होता है एक्सेप्टेंस। तो जो फोर्थ वाली कंडीशन में क्या है, जो प्रॉमिसी ने ऑफर किया था, कुछ ऑफर किया तभी सामने वाले ने क्या किया था, उसको एक्सेप्ट किया था। तो जो ऑफर किया है, जो सिचुएशंस या जो टर्म्स एंड कंडीशंस या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए जो चीज ऑफर की गई है, तो उस ऑफर को ही
कंप्लीट नहीं कर पाना, उस ऑफर के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करना, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये वाली कंडीशन है ये। फेलिंग टू ऑफर फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस, और सेम ये देखो सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ पॉइंट में देखो ऑफर का अपोजिट क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, एक्सेप्टेंस। तो यहां पे क्या है, सामने वाला ऑफर तो कर रहा है, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। तो फोर्थ में क्या लिखा है कि जो चीज हमको ऑफर की गई थी उस, वो जो ऑफर किया गया था उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म। और सिक्स्थ में जस्ट अपोजिट, सामने वाला ऑफर जो किया था ये सिक्स्थ उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है अब, तो भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज, खत्म। अब क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ और कुछ? नो मैम। और किसी का डाउट है? मैम जो लास्ट पॉइंट किए उसमें ड्यू टाइम से पहले ही मना कर देता है ना, नहीं करूंगा अब कॉन्ट्रैक्ट करके। हाँ, एंटीसिपेटरी की बात कर रही हो बेटा? यस मैम। हाँ, उसमें ड्यू डेट के पहले ही मना कर देना। और कुछ, और किसी को जो भी डाउट है पूछ लो जल्दी से। ये पीपीटी का आपने नोट किया, ये जो समरी मैंने बना के दी है यहाँ पे, ये जो समरी शो हो रही है आपने नोट किया है इसको? मैम स्क्रीनशॉट ले, स्क्रीनशॉट ले मैम। बेटा स्क्रीनशॉट लेना और उसको नोट करना, अपने नोट्स में ऐड करना, दो अलग चीजें। आप लोग मैम वो जल्दी जल्दी हट जाता है करके स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ जल्दी जल्दी, और उसके बाद नोट्स में ऐड करते हैं आप लोग? यस मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये कौन सा टॉपिक था? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज मींस क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना। अब जस्ट इसका अपोजिट पढ़ेंगे परफॉर्मेंस, कि कॉन्ट्रैक्ट को कैसे परफॉर्म करना है। तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीनिंग आ रहा है समझ में, परफॉर्मेंस की जो मैं बता रही हूं? अब बताओ परफॉर्मेंस की क्या होगा? देखो परफॉर्मेंस क्या होगा, जब दो पर्सन या दो पार्टीज एंटर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, enters into legal contract with a view to fulfill the objectives, ठीक है, काम को पूरा करने के लिए, जब या किसी काम को शुरुआत करने के लिए या किसी काम को complete करने के लिए, दो persons या दो parties एक दूसरे के साथ जब काम करती हैं तो उसको बोलते हैं contract। Performance means contract को fulfill करना या फिर अपनी जो obligations है उस कॉन्ट्रैक्ट के बनने से, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ऑब्लिगेशंस अराइज हो रही हैं एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, और उस काम को स्पेसिफाइड मैनर में कंप्लीट करके देना परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक मीनिंग? यस मैम। अब देखो परफॉर्मेंस दो टाइप की होगी, एक एक्चुअल होगी एक अटेम्प्टेड। एक्चुअल क्या होगी बताओ? एक्चुअल मींस एक्चुअल में काम कर रहा है, ठीक। और अटेम्प्टेड में क्या होता है? परफॉर्मेंस अभी ड्यू है, डेट भी ड्यू है, लेकिन सामने वाला अटेम्प्ट कर रहा है या उसके लिए इनिशिएट ले रहे हैं उस काम को करने के लिए। तो ये ओवरव्यू था आपके परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। क्लियर है यहां तक? यस
यस मैम। अब देखो एक वर्ड बताती हूँ, टेंडर। टेंडर क्या होता है सुना होगा आप लोगों ने, न्यूज़पेपर वगैरह में एक वर्ड बहुत आता है टेंडर। टेंडर क्या होता है, क्या होता है टेंडर? टेंडर नाम लेते हैं उसको, टेंडर लेना बोलते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें दो चीज और ऐड होनी चाहिए, कोई बताएगा? ऋषिक, प्रशांत, शुभम, योगिता, क्या होता है टेंडर की मीनिंग? मैम किसी को कॉन्ट्रैक्ट देना। हाँ लेकिन यही तो भी बताया, लेकिन कुछ और, किसी को देना मतलब। अच्छा टेंडर के लिए कोई एक ही पर्सन अप्लाई करेगा कि बहुत सारे लोग? बहुत सारे लोग मैम अप्लाई करते हैं ना, बहुत सारे पर्संस, फिर बिडिंग होती है, और उस बिडिंग से क्या होता है, जिसकी वैल्यू मतलब यहाँ जिसका जो अमाउंट होगा उस टेंडर का, जो फर्म को ठीक लगेगा मटेरियल्स के अकॉर्डिंग भी। और ये सुना है कि जो सबसे कम कोट करके देता है टेंडर उसी को मिलता है। क्या मैम? जो सबसे कम कोट करके देता है टेंडर उसी को मिलता है, ये वाला पॉइंट सुना है आप लोगों ने? बोली लगती है, बिडिंग वर्ड सुना है? यस मैम। है ना, तो क्या हर बार जो सबसे कम कोट करके देता होगा उसी को ही मिलती होगी? नहीं ना, तो क्वालिटी के अकॉर्डिंग भी चीजें देखी जाती हैं। तो जब अपन परफॉर्मेंस करेंगे तब अपन टेंडर भी पढ़ेंगे उसके साथ। परफॉर्मेंस एक एक्चुअल होगी, एक अटेम्प्टेड होगी, वो भी रीड करेंगे अपन। परफॉर्मेंस, जॉइंट परफॉर्मेंस, मोड्स ऑफ परफॉर्मेंस, ये सब अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपके पास बुक है तो आप थोड़ा सा उसको रीड करके रखना नेक्स्ट क्लास के लिए। क्लियर है? यस मैम। ओके, थैंक यू मैम। इट्स ओके, थैंक यू मैम।